जी मेरा नाम ममता है, गांव नितड़वास है। नहीं है फिलहाल, हमारे घर में शौचालय नहीं है। वहाँ उधर है, सुबह सुबह हाँ वहीं जाते हैं। और यहाँ पे आसपास के कितने लोग हैं? यहाँ हमारे परिवार में 30 लोग रहते हैं हम। तो सब लोगों को बाहर जाना? हाँ बिल्कुल, सबको बाहर ही जाना पड़ता है। अगर हमारे पानी नहीं है तो हम शौचालय बनवा क्या करेंगे? पानी कहाँ से लाएंगे हम? पानी की समस्या है हमारी बहुत। हाँ किसी के है किसी के नहीं है, फिलहाल तो है 3-4 घर में, लेकिन ज्यादातर में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, किसके गए? हमारे यहाँ 70% घरों में शौचालय नहीं है, पीने के लिए पानी की समस्या है। कई 5% लोगों के घरों में जो नीचे सेफ्टी टैंक बने हुए हैं उनमें बरसात का पानी भी इकट्ठा होता है, उससे काम चलाते हैं। और कहीं पानी से टैंकर 500 रुपये पर टैंकर के लगते हैं, वो पानी लाके पानी पीते हैं। और यहाँ के जितने भी लोग हैं रहने वाले यहाँ पे नेत्रवास, चरणवास, रूपरा, दुगोली, नरई डाणी, इन सभी गांव में शौचालय नहीं बने हुए। 70% घरों में शौचालय नहीं बने हुए। और जो खुले में शौच में जिस जंगल में जाते हैं सुबह शौच के, यही पूरी समस्या है। ये शौचालय की हम बाहर जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। सबसे 8 है। आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही बात है ना। और आसपास आपके यहाँ सब? सरकार तो अभी विफल है, तो वो सुनता ये देखता नहीं पूरी। अब आपने पूछा तो मैं बताया कि मेरे नहीं है ये प्रॉब्लम है, और इसमें झूठ साज का अगर पूरा पता लगाओ तो मेरे साथ चलो, कोई दूरी नहीं है। गाँव हमारा है नेत्रवास चारणवास, शौचालय नहीं है अभी तक बना नहीं है। सरपंच ने बोला था वहाँ बनाने के लिए, लेकिन फिर वो क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। ये अभी नीम भरी हुई थी या हमसे भरी हुई थी, फिर वो नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही सोच के लिए तो उधर उधर बाहर वो जाना ही पड़ता है। वो वहाँ से थोड़ा खड्डा खोद दे रखते हैं और उसी तस्वीर से जाते हैं बाहर, जो पड़तल जमीन है इसमें जाते हैं। अरे 4 भाई रहता है, एक इतना 5 है। पंख शौचालय तो कोई सा के नहीं ना। आपके यहाँ शौचालय है आपके घर में? गटर है? कोई घर में गटर नहीं है। पहले बोला था बोले गटर बनाएंगे बोले, लेकिन उनका फिर पैसे पूरे तो देते नहीं है, तो ऐसे हमसे बनते नहीं। तो सब लोग खुले में जाते हैं? खुले में जाते हैं। कितने लोग रहते हैं आपके घर? हम 5-6 आदमी हैं। महिलाएं भी सभी जाती है। और सरकार ने जब बोला है कि अभी राजस्थान में कोई खुले में शौच नहीं जाता, हम तो सब जाते हैं। सरकार की ड्यूटी है, हम सब जाते हैं। पहली बार ये हुआ है पूरे देश में राजस्थान में कि पंचायत राज के चुनाव में प्रत्याशियों से ये सर्टिफिकेट लिए गए कि अगर आपके घर शौचालय नहीं है तो आप पंच के लिए भी प्रत्याशी नहीं हो सकते। और रियल स्थिति है कि आज की तारीख में भी ऐसे एक नहीं, हम सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे घर बता सकते हैं जिनमें शौचालय नहीं, और उसके बावजूद केवल उसमें ही नहीं, उसका सबसे बड़ा नुकसान उस गरीब को इस बात के लिए भी हुआ है कि एक प्लानिंग कमीशन के तहत जो आता था कि जो BPL में परिवार है उसको अगर 50,000 रुपये मकान बनाने के मिलते थे तो उसमें एक अमाउंट होता था 12,500-15,000, वो शौचालय के नाम पे होता था। और आज जब ग्राम पंचायत ने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि ये ग्राम पंचायत ODF घोषित हो चुकी है, यहाँ सबके घर शौचालय, तो वो आवास विहीन जो लोग थे वो आवास बनाते हैं तो उनको दूसरा नुकसान ये भी है कि वो 12,500 रुपये उसके पहले ही माइनस हो जाते हैं, जो जितना मिलता था उसमें भी कटौती शुरू कर दी। और स्थिति यह है कि धरातल पे अभी भी इन इलाकों में 50% से ज़्यादा लोग शौचालय विहीन है। कुछ नहीं है वो गटर शौचालय, कुछ नहीं है ना, यहाँ कोई रोड है ना, पानी पीने में पानी भी नहीं है, पानी कोई व्यवस्था नहीं, कुछ ऐसा बकवास है। खाली बोटिंग का मतलब बोटती है और नोटती है, और कुछ नहीं। Good for nothing.